नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा ही मीडिया एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए JBT से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। इस काउंसलिंग में हम लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में करेंगे, JBT के प्रमोशन से रिलेटेड बात करेंगे, और अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो करें या ना करें उसके लिए आपको सजेस्ट करेंगे और बताएंगे कि जो गवर्नमेंट के रूल है वो क्या है। तो ये कंप्लीट अपडेट जो है वो JBT काउंसलिंग से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल हिम इंडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है और जितने भी पेपर्स की वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं वो आपके तक पहुंच सके। और फेसबुक पेज भी है हमारा हिम इंडिया एजुकेशन के नाम से, अगर आपने वो भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी लाइक कर दें, ताकि आपके पास जो है जितना भी PDF का डाटा है वो भी आपके पास पहुँचता रहे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हम लोग चर्चा इसी पे करेंगे कि JBT की काउंसलिंग जो है इस वक्त आपको पता ही है हर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल के करवाई जा रही है। तो इसमें अब कुछ कैंडिडेट के मन में डाउट है कि हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इससे हम लोग आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जो जाके काउंसलिंग अपनी अटेंड कर सकते हैं। और दूसरी, इसमें जो बड़ी बात होती है कि कुछ कैंडिडेट जो ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम लोग इससे आपको क्लियर करवा रहे हैं कि अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जैसे आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हैं और अगर आपकी मंडी में आपका नंबर आ जाता है तो आप मंडी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद मंडी में जो है आपकी पर पोस्टिंग जो रहेगी वो डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंडर ही रहेगी। आपकी मंडी से अगर आप कांगड़ा या शिमला या धर्मशाला अपनी अदर डिस्ट्रिक्ट में अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का जो है 3 से 5% कोटा ही रहता है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में एक बार आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए पोस्टिंग रहेगी। चाहे वो आप उसके बॉर्डर में आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय आ सकते हैं, लेकिन उस बाउंड्री एरिया से डिस्ट्रिक्ट के आप बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए जो है दोस्तों सिर्फ 3 से 5% कोटा ही होता है, और बड़ी हाईली प्रोफाइल आपको चेक लगवाना पड़ेगा, तभी आपकी जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बाद में ट्रांसफ़र होती है। और ट्रांसफ़र के साथ साथ दोस्तों, इसमें एक और बड़ा नुकसान जो है कैंडिडेट को झेलना पड़ता है कि मान लीजिए वो मंडी से वापस अपनी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवा लेता है, तो जितनी भी उसकी सीनियरिटी है ट्रांसफ़र के बाद वो टोटली लैप्स हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको JBT से TGT बनने के लिए 10 साल का टाइम पीरियड चाहिए, तो आपको 5 साल हो गए हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही, और फिर आप 5 साल बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अपनी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो वो जो आपके 5 साल हो गए वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ। फिर आपको फिर से शुरू से 10 साल लगाने पड़ेंगे अपना जो टेन्योर है वो पूरा करने के लिए। तो ये है दोस्तों आपको नुकसान कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाद में आप इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले तो ये होती नहीं है, अगर होती है तो आपकी जो सीनियरिटी है वो बिल्कुल ही जीरो कर दी जाती है। तो आप उसी हिसाब से अब अपना डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग अटेंड करें, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसी में जाएँ, प्रेफरेंस दें। और इसका दूसरा नुकसान ये भी होता है, अगर आप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और आपने मंडी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद फिर आपकी 6 महीने बाद या साल बाद आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फिर से काउंसलिंग होती है, फिर आप मंडी में रिज़ाइन देके कांगड़ा में ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर इससे जो है वो मंडी वाली डिस्ट्रिक्ट वाली जो सीट है वो लैप्स हो जाएगी। उसके लिए फिर डिपार्टमेंट को फिर से गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ती है कि हम लोग इसको फिल करना चाहते हैं। तो इससे जो है किसी एक कैंडिडेट की जो सीट है वो वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो होल प्रोसेस हुआ डिस्ट्रिक्ट का कि अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। उसके बाद अब हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों। तो JBT में जो है 8,100, 2,200 और 3,000 ग्रेड पे का जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में स्केल दिया जाता है। तो इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो सबसे पहले आपका बेसिक पे 810, फिर आपका उसके बाद ग्रेड पे अगर आप देखें तो आपका 3,000 आ गया, और ग्रेड पे का जो है 150% जो है इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। इसका 150% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 4,500 रुपया आ जाएगा। तो अगर आप इन सब का ऐड करेंगे तो आपकी जो इस वक्त JBT की जो सैलरी है वो 13,410 रुपये कुछ इतनी का बनेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो JBT की इस वक्त स्टार्टिंग सैलरी है वो 13,410 रुपये बन रही है इस वक्त के ग्रेड पे के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों, तो ये आपको 3 साल तक 13,410 रुपये मिलेगा, इसमें प्लस आपको पहला साल कंप्लीट करने के बाद 3% इसमें आपको एनुअल इंक्रीमेंट लग जाएगा, उसके बाद दूसरे साल में भी 3% आपको एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। तो 3 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे फिर आपको रेगुलर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन जो आपका स्केल है वो यही रहेगा।
पर उसके साथ साथ आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से अदर अलाउंसेस होते हैं, DA, HRA या IR, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 13,000 से डबल हो के 27,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ये कब होगी? 3 साल कंप्लीट करने के बाद। तो 3 साल कंप्लीट करने के बाद आप 13,000 से सीधा 27 से 30,000 के बीच में आप जंप कर जाओगे। मतलब लगभग लगभग 3 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी। इसके बाद जो दोस्तों, अगर आप 3 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा। उस प्रोबेशन पीरियड में जो है कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जो स्केल है वो 10,300 + 4,200 दे दिया जाएगा। और इसके साथ फिर आपकी जो सैलरी है वो लगभग 45-46 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी। और अगर यही सैलरी स्ट्रक्चर आप अगर आप JOA लगते हैं तब आपको कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं ये स्केल लेने के लिए, जो कि JBT वालों को ये स्केल 5 साल के भीतर ही मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है। अपना डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन की एक वीडियो भी हमने इससे पहले आपके लिए अपलोड कर दी है, और इससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए काउंसलिंग के लिए वो भी अपडेट की है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल हिम इंडिया एजुकेशन में जाके वो जॉब अपडेट्स की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, और अपना ये काउंसलिंग का मौका ठुकराए मत, और इसको आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग अटेंड करें सारे डॉक्यूमेंट के साथ, ताकि आपकी भी जल्द से जल्द जॉब लग सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे Facebook पेज हिम इंडिया एजुकेशन को भी लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके पास जितना भी इंफॉर्मेटिव डाटा है, चाहे वो वीडियो के रूप में चाहे वो PDF के रूप में, वो आपके पास पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।